हाँ, क्या कहेंगे आप इतना जो भाव है, सेवा का जो भाव है अंकल जी? भाई ऐसा है, इस किसान ने तो हमेशा सेवा की है पूरी दुनिया को। अगर किसान ना होगा तो अन्न पैदा करके कौन खुआवेगा? ये अन्न पैदा करने वाला किसान है। और जो ये सत्ता में बैठे हैं, इनके जो राजनीतिक वो हैं हथकंडे, हर जगह ये अपनाना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है अपने ही हथकंडे में आदमी खुद गिर जा, जो अब हो रहा मोदी के साथ। भाई इसने कोरोना बता के थाली भजवाई, थाली से कोरोना भाज गया। अब हम एक बात पूछते हैं, जो हमारे जवान वहाँ हैं सीमा पे, और विदेशी कोई पाकिस्तान या चीन कोई हमला कर दे तो थाली बजा के ही भाग जाएंगे वो जवान, कह देंगे जब कोरोना जैसे मर्ज को आप थाली से भगा दो तो हमारी ज़रूरत नहीं है, कोरोना को इसे युद्ध को भी आप कोरोना से ही भगा लो। तो इनकी बुद्धि खराब होगी। और इसने यूँ सोचा जैसे मैं कह रहा हूँ, पब्लिक उसी तरह से नाच रही है, लेकिन पब्लिक को भ्रम था, अब उनका भ्रम टूट गया। जो प्रैक्टिकल जब आदमी करता है तो प्रैक्टिकल के बाद में उसे महसूस होता है कि सामने आती इस प्रैक्टिकल में क्या असलियत है। अब इन्होंने जो इसे कोरोना काल में किसान की ये बना जोलाई में कानून और गोदाम अडानी के अंबानी के बन लिए 2 साल पहले, जब हमारी धान आया मंडी में वो किसी कोई लेने वाला नहीं पाया, और परेशान हो गए 3-3, 4-4 दिन जब हम मंडियों में पड़े रहे। हमने 35 क्विंटल धान बेचा और हमें कुल 30,000 रुपये मिले 35 क्विंटल पे, जबकि हमें मिलना चाहिए था 60,000 रुपये, समझे? तो हमने वो प्रैक्टिकल करा। जब किसान ने देखा कि जो ना कमाने वाला वो तो सिर्फ इधर से उधर करने में 1,000 मुनाफा कमा रहा, और हम जो 6 महीने जिस फसल को हम कमा कर जाए उसे सिर्फ 800-900 रुपये क्विंटल मिल रहा, तो भाई प्रैक्टिकल करके। अब इसने भी प्रैक्टिकल हुआ हमारे। सरकार तो ये कह रही कि जो कानून पहले था किसान जैसे अपने मन से कहीं बेच सकते थे, अभी भी वही कानून है, उस पर क्या आप कहेंगे? अब एक बात बताइए, हमारी मंडी हमसे 5 किलोमीटर है, और उसी में अगर ये MSP हो तो हम वहाँ बेच देंगे। हमारे पास 4 क्विंटल धान बिका हुआ है तो उसे लेके हम लद्दाख जाएंगे या चीन जाएंगे? दर्शक आप आज ये जो गूढ़ बातें हैं ना, ये बातें जो असलियत है, जो छोटी छोटी बातें हैं जो सरकार को दिखती नहीं है, ये बातें ये हमारे बुजुर्ग किसान हैं ये आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से गौर से सुनिए। हाँ अंकल जी। हाँ पूछिए। और ये जो अभी बता रहे थे कि हम अपनी मंडी का जो बात बता रहे थे, और अगर मंडी में MSP लगी हुई होती तो हमें दर दर नहीं घूमना पड़ता, ना हमारा माल लूटता। MSP का मतलब है सरकारी बोली ये है, इससे ऊपर कोई भी व्यापारी खरीद ले, इससे नीचे नहीं खरीद सकता। और हमारी मांग भी यही है कि भाई MSP बनाओ और उसका एक कानून बना दो, अगर इससे नीचे कोई व्यापारी खरीदता है तो वो जेल का हकदार होगा। कितनी गंदी नीति इस गवर्नमेंट की है, 2 महीने मिल चलते होगी, और इन्होंने उस पर पर्ची पर दाम नहीं, उन्हें कह दी भाई पर्ची पर दाम नहीं गिरना, तो उस 2 महीने में ना तो पैसा बढ़ा सके और ना किसान को पैसा मिलना। मिल वालों से हम कहते हैं भाई पेमेंट करो, पहले रेट में कर दो, बाकी बाद में दे दियो, वो कहते नहीं जी हम दो दो बार नहीं देंगे, क्योंकि एक मिल एक दिन में 30 करोड़ का गन्ना एक दिन में पीलता है, और 60 फैक्ट्री हैं यहाँ हमारी, तो कितना पैसा हमारा गवर्नमेंट पे है। हाँ। हमारा गन्ना तो गवर्नमेंट दीवारी, तो इनकी दमन नीति जो है दमन नीति और शक नीति। दूसरे ये कहते हैं कि फंडिंग आ रही, भाई इन लोगों ने फंडिंग लेनी सीख रखी, किसान ने ना कभी किसी से फंडिंग ली ना ले, और आगे भी मेहनत कष्ट किसान है ये करके खाओगा, इनकी तरह से हराम का नहीं खाओगा।